सामान्य तकलीफों के बारे में और आज का हमारा विषय है सीने में दर्द या चेस्ट पेन। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके बारे में हमें जागृत रहना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको सीने में दर्द हो, स्पेसिफिकली लेफ्ट हैंड साइड पर, या आपको एसिडिटी जैसी फीलिंग हो, उसके साथ साथ अगर आपको बैक में पेन हो या लेफ्ट साइड के हाथ में पेन हो या फिर आपको यहाँ पे जबड़े में दर्द हो, उसके अलावा अगर आपको अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगे या थोड़ी सी भी एक्टिविटी करने पर या थोड़ा सा भी स्ट्रेन लेने पर अगर आपकी सांस फूल जाए, उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगे कि सीने में बहुत भार हो रहा है, एकदम से बेचैनी या घबराहट की फीलिंग हो रही है, आपकी धड़कनें एकदम से तेज हो गई है या बहुत पसीना पसीना हो गया है, उसके अलावा उल्टी हो, उबके आए, अगर आंखों के सामने अचानक से अंधेरा आ जाए, चक्कर आए या आप बेहोश होकर गिर जाए, तो इन सारे लक्षणों को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन तुरंत ही आपको हॉस्पिटल जाना है। अब अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे थे जिसके दौरान आपको ये सारे सिम्टम्स हुए, तो सबसे पहले वो एक्टिविटी बंद कीजिए और जाके लेट जाइए और रेस्ट कीजिए। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा दर्द या बेचैनी है, या अगर आप ऑलरेडी एक कार्डियक पेशेंट है जिसको ऐसा दर्द हो रहा हो, तो आपके पास एक सॉर्बिट्रेट नाम की दवाई रखें जिसे आप अपनी जबान के नीचे रख के तुरंत ले सकते हैं। तुरंत एक एम्बुलेंस को बुलाइए और आपके नजदीकी तात्कालिक सारवार केंद्र में जाइए और एक इमरजेंसी फिजिशियन से कंसल्ट करवाइए। एक इमरजेंसी फिजिशियन आपको देखने के बाद आपका ECG, इकोकार्डियोग्राफी ये सब करवाने के बाद आपको आगे की जरूरी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे और आपकी उस हिसाब से सारवार की जाएगी। सिम्स हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट 24/7 ओपन है और हम आपकी सेवा में हाजिर है। बस इतना याद रखिए कि अगर ऐसे कोई भी लक्षण हो, इनको इग्नोर मत कीजिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए और तुरंत ही हॉस्पिटल जाइए।